देखकर लगता है जैसे आयरन मैन और थॉर को मिक्स कर दिया हो। पर स्पाइडरमैन थोड़ी है। तुम्हें स्पाइडरमैन इतना पसंद क्यों है? लोगों की जान बचाता है, अच्छा से कॉस्ट्यूम पहनता है, रिस्पेक्ट करता हूँ यार। व्हाट्स अप लूजर। हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मंडी न्यूज। तो गाइस आज हम बात करेंगे टॉम हॉलैंड से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बट उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में, जिसकी ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम आ गई थी। तो आपको बता दूं कि मेरी एडिटिंग में कोई गलती नहीं थी, गलती थी यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी की। मेरी उस वीडियो पर कॉपीराइट आ गया था, तो मैंने एक टूल यूज करा कॉपीराइट रिमूवल का, जिससे कि वो टूल यूज करने से कॉपीराइट रिमूव हो जाता है। पर वो टूल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करा गया और मेरी ऑडियो और वीडियो में गड़बड़ हो गई। तो उस वीडियो में काफी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट थे, जो कि 20 अपडेट्स थे, जिसमें कि यंग थैनोस के बारे में भी था, जो कि इंटरनल्स मूवी में आ रहा है। तो आप अगर आप वीडियो को ध्यान ना दें और ऑडियो पे ध्यान दें तो उस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें अपडेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि अब मैं उस वीडियो को दोबारा नहीं बना सकता, क्योंकि मैंने सारी फाइलें डिलीट कर दी है। तो ये कहना चाहूंगा कि मेहनत बेकार नहीं जाए, आप वीडियो को छोड़े सिर्फ ऑडियो पे ध्यान दें। देन बात करते हैं अब नए अपडेट के बारे में, जो कि काफ़ी कमाल का, टॉम हॉलैंड से रिलेटेड। आप सभी जानते हो कि टॉम हॉलैंड का जो नेचर है वो बिल्कुल फ्रेंडली है। वो कोई भी बात अपने मन में नहीं बिठा सकते, बोल देते हैं उनके जो मुंह में आता है, चाहे वो उनकी खुद की पर्सनल मूवी क्यों ना हो। क्योंकि उन्होंने अपनी अपकमिंग रिसेंट मूवी का टाइटल भी रिवील करा था, स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का, देन एवेंजर इन्फिनिटी वॉर होम कमिंग, देन काफ़ी सारी चीज़ें। पर इस वीडियो का मकसद सिर्फ ये है कि MCU में टॉम हॉलैंड का जो कैरेक्टर है वो 10 इयर्स तक का है, यानी कि 10 साल तक का, इन फ्यूचर आगे भी। तो आप सभी जानते हो कि 2016 में उनकी पहली मूवी आई सिविल वॉर, जो कि एक कैमियो था। फिर उनकी एक सोलो मूवी आई स्पाइडरमैन होमकमिंग। फिर उनकी एक एवेंजर्स मूवी आई, जो कि पार्ट वन था इन्फिनिटी वॉर। देन उनकी फोर्थ मूवी आई एवेंजर एंड गेम, और उनकी अपकमिंग मूवी आ रही है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। देन उसी के साथ स्पाइडरमैन यानी कि टॉम हॉलैंड 5 साल के लिए और हैं MCU में। ये 100% आप लिख के ले लीजिए मुझसे। अब कैसे, अब टॉम हॉलैंड ने ये चीज़ पहले ही रिवील कर दी थी कि MCU में मेरा 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, मैं आगे MCU में 10 साल के लिए काम कर सकता हूँ और मैं रोल प्ले करूँगा स्पाइडरमैन का। उन्होंने ये बात अपने मुंह से क्लियर ही बोली है। उसका एक मेरे पे वीडियो भी पड़ा है, पर मैं वो बाद में दिखाऊंगा। अब ये वीडियो है कितना पुराना, आप यकीन नहीं मानोगे। आप सभी जानते हो कि द अमेजिंग स्पाइडरमैन सोनी यूनिवर्स की एक ऐसी मूवी थी जो कि फ्लॉप चली गई थी, और ये मूवी रिलीज हुई थी 2012 में। उसी के साथ एक इंटरव्यू आया, जिसमें कि इंटरव्यू में पूछा गया कि टॉम, क्या आप अपकमिंग MCU में कोई कैरेक्टर प्ले कर सकते हो, या आई एम श्योर मे बी स्पाइडरमैन अबाउट 10 ईयर्स। दैट्स उन्होंने ये बोला, उनके ये वर्ड थे। तो टॉम हॉलैंड ने ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले रिवील कर दी थी, और उनकी मूवी आई 2016 में सिविल वॉर एक कैमियो में। फिर उनकी आई होमकमिंग, और जबकि ये चीज़ उन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन फ्लॉप होने के बाद 1 साल बाद एक इंटरव्यू में रिवील करी गई। तो जी हाँ, ये सबसे बड़ा सबूत है कि टॉम हॉलैंड कंफर्म हो जाते हैं आगे फ्यूचर में MCU में। और देन आपको मैं बता दूं कि जब सिविल वॉर आई थी, स्पाइडरमैन होमकमिंग आई थी, तो मैंने उसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट भी कंफर्म कर दिया था, और स्पाइडरमैन 3 आपको जल्दी ही सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी इन फ्यूचर आगे 2023 में। और उनकी एक एवेंजर मूवी भी होगी, जो कि यंग एवेंजर्स मूवी होगी। तो ये फ्यूचर है, अभी सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा, पर ये एक ऐसा अपडेट है जो कि शायद आपके लिए काफ़ी खुशखबरी वाली होगी। देन जो स्पाइडरमैन के फैंस हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। देन अब चलिए देखते हैं वो वीडियो जिसमें कि टॉम हॉलैंड ने अपने बात ये खुद ही रिवील करा है कि मे बी आई एम 10 ईयर्स MCU। Quite fancy being like a superhero. Oh yeah. I don't know. What kind of superhero would I want to play? Maybe Spider-Man in like 10 years time. Get ready for the reboot of the reboot. The reboot of the reboot, if they made one. I don't know. Fancy. Yeah, that'd be cool. And what's your next role? What can we see you in next? The next role you can see me in is a film called How I Live Now, directed by Kevin MacDonald, starring Saoirse Ronan and George Mackay. And I play their younger brother. And it's about a family who go through a sort of futuristic war that's happening now, which is very interesting and it's really exciting. I think I'm seeing the film next week, so I'm very excited. You're looking forward to it. Yeah. तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आपने जान लिया होगा कि टॉम हॉलैंड ने फाइनली रिवील कर दिया कि वो आगे इन फ्यूचर 10 इयर्स के लिए है, और ये अपडेट बिल्कुल कंफर्म है। देन उन्होंने ये बात खुद कंफर्म करी है। अब MCU इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें रिवील नहीं कर सकता है। तो गाइस कैसा लगा अपडेट? और गाइस आप सभी को सबसे पहले ईद मुबारक। और आज का दिन स्पेशल था, तो मैंने सोचा कोई एक स्पेशल वीडियो बनाई जाए, जो कि अपडेट के साथ इन फ्यूचर काफ़ी बड़ा अपडेट है सभी फैंस के लिए, जो कि स्पाइडरमैन के फैंस है। तो गाइस कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नए देख रहे हो, या तो उस पर स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।